सो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट ऑफ हम्पी एंड बदामी टूर का। तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप तुरंत चेक कर लेना। और आज हम लोग बहुत ज्यादा कवर करने वाले हैं हम्पी में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और उससे पहले थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं थोड़ा साउथ इंडियन डिश के साथ, जहाँ पे हम लोग को मिलता है इडली और वड़ा। और फटाक से हम लोग निकल जाते हैं बस में बैठने के लिए, क्योंकि आज के दिन हम लोग बहुत सारा जगह हम्पी में कवर करने वाले। तो अभी हम लोग जिस जगह से जा रहे हैं वो है अंजनाद्री हिल का रास्ता, और ये हम लोगों ने पहले ब्लॉग में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके जरूर चेक कर लेना। अभी हम लोग जिस पुल के ऊपर से जा रहे हैं वहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा बहुत वाटर स्पोर्ट्स करने वाले। और हम्पी में वाटर स्पोर्ट्स का मतलब क्लिफ जंपिंग और कोरेकल राइड है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि क्लिफ जंपिंग हम लोग कोई रीज़न से नहीं कर पाए, बट कोरेकल राइड हम लोग मिस बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो कोरेकल राइड शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत सेफ्टी का ध्यान रखते और अपना लाइफ जैकेट पहन लेते। तो आज का जो कोरेकल राइड होने वाला है उसको ये भैया ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में चप्पू है और यही पूरे बोट को चारों ओर घुमाने वाले हैं। और ये रही कोरेकल राइड की एक छोटी सी झलक। कोरेकल राइड ख़त्म करने के बाद हम लोग किनारे की ओर बढ़ते हुए निकल जाते हैं अपने अगले लोकेशन की ओर। तो चलिए अपने सेकंड लोकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। तो अभी हम लोग जिस जगह जाने वाले हैं वो है विजय विठला टेम्पल। फाइनली हम लोग अपने सेकंड लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। जगह का नाम बोलते हैं विजय विठला टेम्पल, मतलब ये विजय विठला टेम्पल एंटायर हम्पी में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है सर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो ये गाइड भैया हैं जो आपको आगे वीडियो में बहुत बार देखने को मिलेंगे। और अगर हमें थोड़ी बहुत भी डाउट रही कोई भी जगह को लेके, तो ये भैया हमारी मदद आगे ज़रूर करते रहेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं विजय विठला टेम्पल की ओर। यूं ही मंदिर पे जाने की ओर हमें पुष्करणी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि पुराने वक्त में रानियाँ यहीं पे नहाया करती थी। और अभी आप लोग चलिए आगे, आप लोग को दिखाते हैं कि और क्या क्या है। वैसे अगर आप लोग के साथ बुज़ुर्ग आते हैं तो उनके लिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ी की सुविधा दी जाएगी, तो वो ईज़िली धूप में भी चल के आगे बढ़ सकते हैं। और अभी फ़िलहाल वहाँ पे जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं वही है वो अंजनाद्री हिल, जहाँ पे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। और ये रहा वो विजय विठला टेम्पल, जिसके बारे में हमारे गाइड भैया आपको एक्सप्लेन करेंगे। और हर एक फ्लोर के अंदर देख सकते हैं आप लोग अलग अलग टाइप का स्कल्पचर्स दिखते हैं। सो फर्स्ट फ्लोर में देख सकते हैं जैसा मतलब राजा लोग के बारे में, रानी लोग के बारे में, जैसा क्या क्या करते थे लोग उनके बारे में ऐसा। और सेकेंड फ्लोर में जैसा रामायण का कार्विंग है सर, जैसा विष्णु जी का बारे में होता है, और बाद में रानी लोग भी शिकार करने जाते थे। देख सकते हैं लेफ्ट कार्नर में एक कोर्स दिख रहा है, रानी लोग भी फीमेल वो लोग भी शिकार करने जंगल जाते थे, वो पोज है। और तीसरा फ्लोर में राम और लक्ष्मण दिख रहा है सर, बाकी चीज़ पूरा खंडित हो चुका है सर। तो इससे पहले कि ये मंदिर और खंडित हो जाए, फटाफट हम लोग टिकट लेके बढ़ जाते हैं आगे मंदिर की ओर। वैसे ये मंदिर में घुसने के दौरान मुझे लगता है कि ये इतना ही खूबसूरत सा मंदिर है, पर इसके पीछे का जो इतिहास है वो मुझे नहीं पता है, तो हमें फिर से गाइड भैया को बुला के पूछना पड़ेगा। टेम्पल शुरुआत हुआ सर 14th century, ये 14th century में अंदर का गर्भपीठ दो मूर्ति स्थापित किया सर, उस टाइम पे इस जगह का नाम बोलते हैं एक विलेज का नाम विठलापुरा। बाद में राजा कृष्णदेवराया ये टेम्पल पूरा एक वास्तु प्रकार से बनाते आए सर, बाद में इस टेम्पल का नाम रखे विजय विठला टेम्पल। तो इस मंदिर के इतिहास जाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं वो 50 रुपए वाले चैरियट के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ हम्पी में। और अगर मैं इन मंदिरों की बात करूँ जो कि गाइड भैया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा खंडित हो चुका है या जलाया जा चुका है, तो अभी इस वक्त यहाँ पे कोई पूजा आरती नहीं होती है, क्योंकि हिंदू कल्चर के हिसाब से अगर कोई भी मूर्ति या मंदिर टूट चुकी है या खंडित हो चुकी है तो वहाँ पर पूजा नहीं करना चाहिए। वैसे ये सब जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उस वक्त में, तो ये पूरे सैंडस्टोन में हुआ था, तो यहाँ पे जो शेर बनाया गया था तो उसको मैं देख के हाई फाई देख के बढ़ जाता हूँ अपने अगले मंदिर देखने की ओर। वैसे इतने सारे जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन उस वक्त में हुआ था, तो आप लोग आर्किटेक्चर देख के समझ ही सकते हो कि जो हमारा भारत का जो एंशियंट रिच कल्चर था वो एक्चुअल में आपको साउथ में ही देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
अब हम लोग आ जाते हैं विजय विठला टेम्पल का एक और इम्पोर्टेंट नोन या पॉपुलर जगह पे, जहाँ पे कहा जाता है कि इनके पिलर्स में आप अगर हाथ से बजाओगे तो आपको बहुत सारा साउंड सुनने को मिलेगा। तो इसी कोशिश में मैं लग गया यहाँ पे आवाज़ सुनने की, पर कुछ आवाज़ मुझे सुनने को मिला नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इसके पीछे जो हमारे गाइड भैया है उनका क्या कहना है। और बीच वाला बहुत बड़ा मंडप है, वही म्यूजिकल हॉल है। टोटली अंदर पे 56 पिलर है, 56 पीपल मतलब 56 लोग, हर एक पिलर में एक एक लोग रुक के चंदन का लकड़ी लेके बजाते थे। बजाने से पहले ऊपर से नीचे तक कपड़ा लगा के पूरा टेंपल बंद करते थे, बाद में बजाने शुरू करते थे। ये बजाने वक्त ये आवाज इधर से 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता था। तो ये था विठलवाड़ी या फिर पुराने समय में विठल मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ हुआ करती थी, पर कुछ कारणवश यहाँ पे वो सारा जो मूर्ति है वो टूट चुका है, जिसके कारण यहाँ पे आज मंदिर में पूजा नहीं होती है, इसलिए इसको मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया। और ये है हम्पी का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन। बट वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि हम और भी आपको अट्रैक्शन दिखाने वाले हैं। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जय श्री राम के नारा सुनने के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे अपने तीसरे लोकेशन की ओर, जो कि है लोटस महल। और इसी महल के आसपास आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप कोई नॉर्मल टिकट लेके अंदर घुस सकते हो। और यहाँ सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ट्रेजरी हॉल या म्यूजियम की ओर। वो माउथ का घर भी बना है सर, अभी माउथ का घर निकाल के म्यूजियम बना है। खुदाई के टाइम पे छोटा 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 मूर्तियां मिला है ना, वो मूर्तियां वहाँ पे रख के म्यूजियम बनाया सर। तो ये था यहाँ का म्यूजियम, और अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं लोटस महल की ओर। और समर डेज में दोनों राणे लोग मिलकर एक पैलेस यूज करते हैं रेस्ट करने के लिए, वो पैलेस का नाम है लोटस महल। मतलब समर डेज में दोनों राणे लोग मिलकर ग्राउंड फ्लोर डेकोरेशन करते हैं, फर्स्ट फ्लोर रेस्ट लेते थे। वो रेस्ट इसीलिए वहां पे लेते थे, मतलब समर डेज में इट वॉज लाइक नेचुरल हेयर कंडीशन पैलेस, एसी नेचुरल हेयर कंडीशन। नेचुरल हेयर कंडीशन आने के लिए टेक्निकल यूज किए, लेफ्ट साइड में एक वाटर टैंक है, वाटर मैन मेड एयर पंप प्रेशर से पानी ऊपर तक सप्लाई करते थे मैडम। और ऊपर पे एक मतलब पैलेस के बीच में एक पाइपलाइन बनाया, जैसा पेरिकोटा पाइपलाइन, जैसा मट्टी से बना जो पाइपलाइन है पेरिकोटा पाइपलाइन। वो पाइपलाइन अंदर जाने का पानी जाने के बाद रोज भर पानी घूमता रहेगा मैडम, बिल्डिंग के बीच में घूमता रहने के बाद ऊपर का फ्लोरिंग पूरा ठंडा हो जाएगा। और चारों तरफ ऊपर से टोटली 25 खिड़की है विंडोज, वो खिड़कियों जैसा ठंडा हवा अंदर आने के बाद उनको फीलिंग लगे नेचुरली से मैडम। और इसी कैंपस में आपको एक और जगह देखने को मिल जाएगा, जो कि है एलिफेंट स्टेबल। राजा का मेन हाथी, खुद जो राजा का हाथी होता है रॉयल एलिफेंट्स, वो हाथी सिर्फ यहाँ पे बांधते थे, एक एक रूम पे एक एक हाथी सर, टोटली 11 रूम है, एक एक रूम पे एक एक हाथी बांधते थे, 11 हाथी वहाँ पे बांधते थे सर, इसीलिए 11 रूम है, सिर्फ मेजर एलिफेंट यहाँ पे बांधते थे सर 11 रूम। तो लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल देखने के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं महानवमी डिब्बा देखने की ओर, जो कि बस यहाँ से 5 मिनट की पैदल दूरी पे। टेम्पल जो राजा दरबार करता था यहीं पे होता था सर। और ओरिजिनली दसरा जो ऑल द टाइप फंक्शन कल्चरल एक्टिविटीज जो चलता था दसरा टाइम में 15th सेंचुरी विजयनगर डेज में यहीं पे चलता था सर। और यहाँ पे बहुत सारा स्टेज है सर, टोटली मोर देन 600 एकर सर ये एरिया है ना सर, 600 एकर। इस 600 एकर में टोटली 4 किंग ऑडियंस हॉल है सर, 4 किंग ऑडियंस हॉल, एक सीक्रेट चेंबर और एक मतलब पब्लिक बाथ, और 24 स्टेज है सर, मतलब पूरा तरह सब तरह का फंक्शन एक्टिविटीज करने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज। वैसे यहाँ पे टॉप पे पहुँचने के बाद थोड़ा हवा लेने के बाद और यहाँ की हर एक जगह को देखने के बाद मैं पहुँच गया यहाँ एक सीक्रेट चेंबर में। और एक सीक्रेट चेंबर है, पुराने टाइम पे टॉप सीक्रेट राजा और मतलब कमांडर और मिनिस्टर तीन लोग टॉप सीक्रेट बात करने के लिए एक छोटा जगह में जाते थे सर। अभी वो भी पूरा ओपन है सर, पूरा मतलब खंडित हो गया सर। हर मंदिर की तरह आपको यहाँ पे भी पुष्प देखने को मिल जाएगा, और ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि सर अंदर एक स्पेशल वाटर टैंक है, रोमन स्टाइल का मतलब वाटर पाइपलाइन है, और बाद में स्टेप टैंक सर, मतलब स्टेप स्टेप वाला है ना वाटर जैसा पुष्करणी, वो इधर ही है सर ब्लैक स्टोन का। अभी हम पुष्करणी से निकल के बढ़ जाते हैं अपने अगले लोकेशन की ओर, जो कि है बट विलिंगा टेम्पल। ये शिवलिंग मतलब साउथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट शिवलिंग है, फर्स्ट लार्जेस्ट तमिलनाडु तंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल, सेकंड लार्जेस्ट बना 4 मीटर्स है, एक ही पत्थर में बना है, 12 फीट का शिवलिंग है। वो शिवलिंग पानी के अंदर है, इसलिए कुछ लोग इसका नाम बोलते हैं जल कंटेश्वर, जल मतलब पानी, कंटेश्वर मतलब शिव जी का एक नाम है, इसलिए जल कंटेश्वर। ये मूर्ति अभी तक खंडित नहीं हुआ, कुछ लोग पूजा करते हैं अभी भी।
और उसका बगल में एक बहुत बड़ा फेमस स्टैचू है सर, नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा बोलते हैं, रुद्र अवतार, मतलब विष्णु जी का चौथा अवतार है, फोर्थ इंकरनेशन नरसिम्हा, नरसिम्हा मतलब हाफ लायन हाफ मैन। वैसे अगर आप लोग पहली बार हम्पी आ रहे हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स या मंदिर है वो सब आसपास में ही है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लोकल टेम्पो या फिर अपनी खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो। और अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे मेन जगह पे जो कि है विरूपक्षा टेम्पल। मतलब एक माइथोलॉजी स्टोरी है, मतलब दक्षाब्रह्म ने एक अटेम्प्ट करने के बाद शिव जी को गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद पूरा हिमालय पहाड़ छोड़ के शिवा ये पहाड़ के ऊपर तपस बैठते हैं। पहाड़ का नाम है हेमकूटा हिल। ये हेमकूटा हिल में गुफा में एक जगह में तपस बैठने वक्त पूरा भगवान लोग मिलके शिव जी को डिस्टर्ब करने के लिए रति और मनमुत को भेजते हैं कामदेव को। ये कामदेव ने फूल का बाण फेंक से शिव जी को डिस्टर्ब करने के बाद शिव जी ने गुस्सा से तीसरा के खोल के मनमुत को यहाँ पे जलाता है। ये स्टोरी यहाँ पे हुआ इसलिए शिव जी का नाम है विरूपाक्षा। विरूपा मतलब गुस्सा से रहते फेस, अक्षा मतलब तीसरा के खोल के मनमुत को जलाता है ना, इसलिए शिव जी का नाम है विरूपाक्षा। और अंदर का जो शिवलिंग अंदर है वो शिवलिंग किसी ने नहीं बनाया, कोई स्थापक नहीं किए, स्वयं पिंड है, अपने आप वो स्वयं पिंड है, स्वयंभू। और बाद में विजयनगर राजा लोग वन बाय वन पार्ट वाइज ये टेम्पल को डेवलपमेंट किया सर, इसलिए टेम्पल इतना बड़ा है, मतलब 350 मीटर लंबा है, मतलब वन बाय वन अलग अलग राजा लोग ये टेम्पल का पार्ट डेवलपमेंट किया सर। इस मंदिर में घुसने के बाद आपको तीन द्वार देखने को मिल जाएंगे और हर द्वार अलग अलग समय काल और अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाया गया था। और आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे गाइड भाई आपको देंगे। टेम्पल अंदर जाने के एंट्री गेट्स बनाए, तीन एंट्री गेट्स है। पहले वाला एंट्री गेट है ना सर, साउथ इंडिया का मतलब सेकंड लार्जेस्ट टावर सर, फर्स्ट लार्जेस्ट है मतलब तमिलनाडु मदुरा मीनाक्षी टेम्पल, सेकंड वन 53 मीटर है, 165 फीट है, 11 फ्लोर है, एक फ्लोर सिर्फ पत्थर से बना है, बाकी का फ्लोर ईंट गार चूना यूज करके बनाया सर। जैसे ही आप लोग इस मंदिर में घुसोगे आपको दो तरह के लाइन देखने को मिल जाएंगे, एक जहाँ पे आप फ्री में घुस सकते हो और दूसरा वीआईपी जगह से, जहाँ पे मैंने 25 रुपये में यहाँ पे एंट्री टिकट लिया और निकल पड़ा वीआईपी लाइन की ओर, क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी थी और शाम होने को थी तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे। और जैसे कि अभी गाइड भैया ने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये जो विरूपाक्षा है वो शिव जी का एक और नाम है, तो यहाँ पे नंदी भगवान का होना तो मस्त है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको टिकट के बारे में बताया तो ये रहा वो फ्री का लाइन जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, और ये सामने में रहा हमारा वीआईपी लाइन जो कि थोड़ा सा छोटा है और हम लोग यहाँ से इजीली कम समय में भगवान के दर्शन कर लेंगे। और शिवलिंग शिव जी को छोड़ के इसके अंदर मोर देन 83 आइडल्स है सर, सब तरह का भगवान एक साथ में देख सकते हैं सर, विष्णु शिवा ब्रह्मा काली गणेशा ये सब तरह का भगवान अंदर पे है सर, इसलिए बहुत बड़ा मंदिर है सर। और हर दिन ज्यादा क्राउड होता था सर, ये मतलब पुराने टेम्पल सर, अब नहीं पुराने टेम्पल, मतलब सब तरह का भक्त लोग एक टाइम में एक टेम्पल में एंट्री करते थे, सब तरह का पिलग्रिम। तो यहाँ पे सारे भगवानों के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग बढ़ जाते हैं पिन होल कैमरा टेक्नोलॉजी देखने के लिए। और ये टावर का अंदर है ना शैडो उल्टी दिखते है, अप एंड डाउन इन्वर्टेड इमेज, उसका नाम बोलते पिन होल कैमरा टेक्नोलॉजी, मॉर्निंग सनराइज से इवनिंग सनसेट तक। तो इसी होल से वो जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो इस दीवार पर इन्वर्टेड होकर दिखते हैं, तो यही है वो मंदिर का एंट्रेंस जो कि इन्वर्टेड होके उस दीवार पर दिख रहा था। ये था पूरा विरूपाक्षा टेम्पल। वैसे जितने भी भगवान थे उनका सारा का वीडियो लेना तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया था और उसके कारण वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती। तो इसके बाद अभी हम लोग यहाँ से विदा लेके चलते हैं हम्पी बाज़ार की ओर जो कि विरूपाक्षा टेम्पल के बिल्कुल सामने में ही है। कुछ ही दूर पर मुझे यहाँ पे लोकल एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिला और क्योंकि वो फ्री था तो मैं बजाने का मौका कैसे ही छोड़ सकता था। अगर आपको लगता है कि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बजाया है तो आप मुझे कमेंट में इसका फीडबैक देना मत भूलना। और यूं ही मार्केट में चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे मुझे ग्लोइंग पेंटिंग देखने को मिल गई जो कि मेरे दुकान वाले से पूछने के बाद थोड़ी ज़्यादा महंगी लगी, पर यह डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा। और इतने हेक्टिक डे के बाद हम और हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर थे वो चाय पी के थोड़ा थकान मिटा ही रहे थे और इसके बाद हम निकल गए थे अपने होटल वापस। होटल पहुंचने के बाद इतनी थकान होने के बावजूद हम लोगों ने काफ़ी देर तक डांस किया और डांस करने के बाद हमें थोड़ी भूख लग गई
और खाना खाने के बाद हम लोग इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का ब्लॉग को यही खत्म करते हैं और आई होप आपको पार्ट टू ऑफ हम्पी बादामी ब्लॉग का पूरा जर्नी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप उन्हें पार्ट वन अब तक नहीं देखा है तो जाके तुरंत चेक कर लो। तब तक के लिए ठीक है, चलते हैं पार्ट थ्री की तरफ जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाई।